नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जोगेंद्र मिश्रा चैनल में। अक्षय तृतीया के दिन गाय माता को चुपचाप खिला दें ये एक छोटी सी चीज, गरीबी भूल जाएगी आपके घर का रास्ता, करोड़पति भी बन जाएंगे करोड़पति। दोस्तों, पूरे 500 सालों के बाद बन रहा दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग 10 मई 2024 दिन शुक्रवार अक्षय तृतीया पर चुपचाप गाय को खिला दें ये एक छोटी सी चीज, करोड़पति भी होंगे करोड़पति, मिलेगी सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति, मृत दंड पितृदोष तुरंत हो जाएगा खत्म, पूरे साल आपके घर में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार, यूं कहें कि आपकी सात पुश्तें करेगी रुपए पैसों पर राज। दोस्तों, सात पीढ़ी तक बैंक बैलेंस बढ़ता ही चला जाएगा, दुख दूर हो जाएंगे, सुख आपके कदमों पर आ जाएगा। यदि आप एक छोटी सी चीज अक्षय तृतीया के दिन गाय माता को खिला देते हैं तो समझ लेना आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट कष्ट है उन सभी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये मान के चलिए आप, इतना दुर्लभ संयोग है इस बार अक्षय तृतीया के दिन। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। दोस्तों, एक ऐसी खास और महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताएंगे जो आपको गाय को खिलानी है, जिसे खिलाने से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा तो आपको प्राप्त होनी होनी है, साथ ही 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली साक्षात गौ माता की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, यकीन मानिए, यदि आप इस खास चीज़ को गौ माता को अक्षय तृतीया के दिन खिलाते हैं तो आपके जीवन के कोई भी किसी भी प्रकार के दुख दर्द संकट या फिर कोई भी परेशानी गरीबी जो पीछे नहीं छोड़ रही, तत्काल गरीबी भी समाप्त हो जाएगी और धन आपके घर में खींचे चलाएगा और धन इतना होगा कि सात पुश्त तक, सात पीढ़ी तक धन दौलत की कमी नहीं होगी आपके घर में, सात पीढ़ी तक रुपए पैसे पर मौज करोगे, इतना धन आएगा, इतना दुर्लभ शुभ संयोग बन रहा है इस बार अक्षय तृतीया के दिन। तो इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना। जिस प्रकार से इस वीडियो में हम आपको गाय के उपाय बताएंगे उसी प्रकार से आपको ये उपाय करना है, 100% आपको लाभ मिलेगा, आप माला माल हो जाओगे, आपके जीवन से गरीबी समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, अपने और अपने पूरे परिवार के भला के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े सबसे पहले माँ लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिख दें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर लें। आइए बात कर लेते हैं अक्षय तृतीया के बारे में, फिर बात करेंगे गाय को वह कौन सी जुड़ी चीज़ खिलानी है अक्षय तृतीया के दिन। दोस्तों, हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का पावन पर्व बहुत ही बड़ा और बहुत ही विशेष महत्व होता है। दोस्तों, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से धन की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित होता है। कहते हैं कि दीपावली की तरह ही यह दिन मां लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जाती है, पूरे साल भर उनके घर में धन की कोई कमी नहीं होती, साल भर मां लक्ष्मी जी की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और धन में बरकत होती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया का दिन शुभ कार्य करने के लिए, जैसे दान पुण्य, स्नान पूजन, तपस्या, साथी खरीदारी करने के लिए बहुत ही शुभ होता है। धनतेरस की तरह ही अक्षय तृतीया पर सोने चांदी के आभूषण खरीदने की परंपरा है। इस दिन सोना चांदी खरीदकर घर लाने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा इस दिन वाहन मकान खरीदना, नया व्यापार शुरू करना, विवाह करना बहुत ही शुभ और उत्तम माना जाता है। अक्षय तृतीया पर सोने चांदी से संबंधित कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। इस बार अक्षय तृतीया का पावन पर्व 10 मई 2024 दिन शुक्रवार को पड़ रही है, तो इस बार अक्षय तृतीया का पर्व 10 मई दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें, सूर्य उदय से पहले उठें और अच्छे से स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र, धुले हुए वस्त्र पहनकर फिर माता लक्ष्मी की पूजा करें, भगवान विष्णु जी की इस दिन पूजा करें और फिर गरीब निर्धन को इस दिन दान जरूर करें। दोस्तों, इस दिन फिर आप ये गाय का उपाय जरूर करें। चलिए अब हम आपको गाय के उपाय बताते हैं। दोस्तों, गाय में सभी देवी देवता निवास करते हैं, स्वयं साक्षात माता लक्ष्मी जी निवास करती हैं, 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है गाय के अंदर, इसलिए अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर अगर यह एक छोटी सी चीज़ खिला देते हैं गाय को तो आपकी गरीबी दूर होगी, निर्धनता दूर होगी और दरिद्रता कोषों दूर चली जाएगी।
गरीबी भूल जाएगी घर का रास्ता, करोड़पति भी हो जाएंगे करोड़पति, सात पीढ़ी तक रुपए पैसे पर मौज करोगे, करोड़पति भी हो जाएंगे महाकरोड़पति। दोस्तों इस दिन जब माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद फिर आप आटा ले लें, आटे को आप शुद्ध जल से गूंद लें और फिर उसकी एक रोटी तैयार कर लें। रोटी तैयार करने के बाद इस दिन एक विशेष बात है, खीर जरूर बनाएं। खीर बनाकर माता लक्ष्मी का भोग जरूर लगाएं क्योंकि माता लक्ष्मी की खीर बहुत ही पसंद है। और साथ ही सत्तू जरूर अपने घर पर आप लेकर आ जाएं। सत्तू चने और जौ से आप इसे पिसवा कर, सत्तू होता है इसे खाया जाता है, तो आप इस रोटी में थोड़े से खीर और थोड़े से सत्तू जरूर रख लें और फिर आप थोड़े से गुड़ आप रख लें, थोड़ी सी मिश्री रख लें और फिर आप इस रोटी को ले जाकर गौ माता को खिला दें। गौ माता को खिलाते समय अपनी मनोकामना जरूर बोलें, आप जो भी मनोकामना है प्रार्थना करें, तत्काल आपकी मनोकामना पूरी होगी, माँ लक्ष्मी कृपा से आपके घर में धन की बारिश आ जाएगी। दोस्तों इस दिन सत्तू का बड़ा ही विशेष महत्व, इसलिए सत्तू जरूर आप गाय को खिलाएं। दोस्तों इस दिन आप एक मुट्ठी हरी घास ले लें और उसमें एक रोटी रख लें, थोड़े से गुड़ रख लें, थोड़े से भुने हुए चने और थोड़े से जौ रख लें। जौ अगर आपके पास भुना है तो अच्छा है, नहीं है भुना तो ऐसे भी जौ रखकर और गाय को खिला दें। दोस्तों अक्षय तृतीया के दिन जौ रोटी में रखकर और गुड़ रखकर गाय को खिलाने से माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं, आपके घर से गरीबी कोसों दूर चली जाती है, निर्धनता दूर होती है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन गाय को रोटी में जौ और गुड़ रखकर जरूर खिलाएं, थोड़े से घी भी इसमें रख लें। दोस्तों इस दिन अगर आप चाहें तो जौ एक मुट्ठी जौ ले लें और आप इसे आप बिना रोटी के भी गौ माता को खिला सकते हैं, बहुत ही पवित्र होता है। और अगर भुने हुए चने और जौ भुने हुए यानी कि जौ जो चना होता है इसे भूंज लें, या फिर आप मार्केट से भी लेकर आ सकते हैं और ये जौ को भुनवा कर फिर इसका सत्तू बनाकर ये तो गाय को खिला दें, या फिर चाहें तो इसका जो आटा होता है जौ का और चने का आटा बनवाकर भी आप गाय को खिला सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों इस दिन घर की सबसे पहली रोटी गौ माता को जरूर खिलाएं। गाय माता को घर की सबसे पहली रोटी खिलाने से घर से दरिद्रता दूर होती है। दोस्तों गाय लाखों योनियों का वो पड़ाव है जहां आत्मा अंतिम विश्राम लेकर फिर मनुष्य रूप धारण करती है, इसलिए गाय बहुत ही पवित्र होती है। गाय को आप इस दिन अगर द्वार पर आ जाए तो उसे जल पिलाएं, यानी उसे जल और उसे भोजन जो भी आपके घर में बना है पक्का भोजन, पूरी कचौड़ी जो भी सेवैयाँ खीर वगैरह सब कुछ खिलाएं, इस दिन गाय को बहुत ही शुभ होता है। तो इस प्रकार से ये उपाय करेंगे तो आपकी गरीबी निर्धनता दूर हो जाएगी। दोस्तों आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी।